मंच पर हमारे समाजवादी पार्टी के नेताजी, आदरणीय नेताजी करहल बैनपुरी के सभी सम्मानित नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले नेताजी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने चार चांद लगाने का काम किया है, और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की, किसानों की लड़ाई को यहां तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाएं। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है, और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी, और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, और चुनाव में उनके साथ ना किसान है, ना नौजवान है, ना माताएं हैं, ना बहनें हैं, ना बहनें हैं, ना कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए
सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं। लेकिन जब जांच हुई, सच्चाई आई सामने, तो आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला उस पुड़िया में, कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, इस प्रदेश को हम तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब समाजवादी सरकार बने। समाजवादी सरकार बनेगी तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का इंतजाम होगा, और न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस सरकार ने नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरी छिन गई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। बताओ किसानों की आय दोगुनी हुई? इनके नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव 5 साल बाद आया है, नौजवान 5 साल बेकार बैठे रहे, इनको नौकरी रोजगार नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं, खुशहाली नहीं आई। इसलिए सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, क्योंकि ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्षेत्र नेताजी का है, नेताजी के यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं, और उन्हीं के क्षेत्र से हमें लड़ने का मौका मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूँ, और इस जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है, बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। बताओ समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है, और वो सब दल में घूम आया है, कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो। हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करहल में आया है। बताओ हर दल घुमाया प्रत्याशी के नहीं आया? इसलिए जब आपके पास आए तो आप उसके लिए प्यार से चारपाई बिछा देना, चारपाई बिछा के प्यार से पूछना कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के वादों का क्या हुआ जो वादे किए थे। और अगर दिल्ली के मंत्री हैं ये, तो कम से कम इन्होंने पिछड़ों को दलितों को सम्मान तो दिया होगा, ये ना जाति जनगणना कराएंगे ना सम्मान दिलाएंगे। इसलिए क्योंकि सभा बहुत बड़ी है, आज के बाद इस कार्यक्रम के बाद
आप अपने गांव चले जाना, अपने घर रहना, अपने आसपास के लोगों को मनाना, अपने आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर के साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए सहयोग और मदद मांगना। बताओ आज के बाद कहीं मत किसी से, गांव में रहना, सड़क पर नहीं रहना है। ये विरोधी लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। बताओ षड्यंत्र साजिश से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अपने गांव में रह करके अपने मोहल्ले में सबको मनाओगे कि नहीं मनाओगे? अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। आज हर वर्ग आपके साथ है, साख समाज, बघेल समाज, बातम समाज, निषाद समाज, कोई समाज ऐसा नहीं जो आपके साथ ना हो। इस सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को धोखा दिया है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को धोखा दिया है। इनकी सरकार में जातियों का झगड़ा लगाने का काम किया, इसलिए मुझे भरोसा है कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, ये चुनाव किसान का चुनाव है, ये चुनाव अन्न संकल्प लेकर के किसानों के मान सम्मान का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का चुनाव है, फौज में पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है, 11 लाख पद खाली हैं, उनमें नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद देता हूं, अपने बीएड बीटीसी का धन्यवाद देता हूं, टेट वाले लोग हैं 2011 टेट, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपका समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देते हुए और आदरणीय नेताजी का विशेष धन्यवाद देते हुए, पार्टी के सभी नेताओं का जो करहल का चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि करहल की जनता, करहल के लोग ये चुनाव आप अपने आप लड़कर के हमारी मदद करने का काम करना। बोलो आज के बाद अपने गांव घर रहोगे कि नहीं रहोगे? इसलिए एक एक वोट की मदद करना, यही निवेदन और यही अपील मैं आपसे करना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।